बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम करते हैं आपको इस धावा के सेशन में, जिसका जो मकसद है कि धावा की जो न्यू प्रोडक्ट लाइन है रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्क्रीनिंग, जो कि एक नई प्रोडक्ट रेंज है धावा में और अनकरीब आपको जल्द मार्केट में नजर आएगी, उसकी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में। ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे आपको, क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान में, उस पर किस तरह से हम वर्किंग कर सकते हैं, कौन से क्लाइंट्स हैं, कौन सी मार्केट की जो वर्टिकल्स हैं जहां पर हम इन इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो हमारे साथ यूट्यूब पे बने हैं, जो जो हमारे साथ पार्टनर ऐप के जरिए लाइव स्ट्रीम सुन रहे हैं, उन सबको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज के सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। और इस सेशन में हमारे साथ मौजूद रहेंगे बुरहान है हमारे साथ दावा के जो सेंटर के इंचार्ज हैं, उसके बाद हमारे कुछ साथी जो है रिमोटली ज्वाइन कर रहे हैं, उमर खयाम है जो कि नॉर्थ से है, उसके बाद हमारे साथ उमर फारूक भी अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हमारे साथ, तो वो भी हमारे साथ रहेंगे। मेरा नाम उबैद है और मैं भी आपके साथ रहूंगा इंशाल्लाह। यूट्यूब के सवाल जवाब और जो आपकी चैट होगी उसमें हम इसको देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा ये है आप सबसे कि मुझे चैट में वन प्रेस करके YouTube पे भी बता दें और इस पे भी कि ऑडियो हमारी बिल्कुल क्लीन आ रही है आपको। जी वेलकम जी, काशिफुल हक, थैंक यू कामरान भाई, थैंक यू अब्दुल समद खान, थैंक यू साहब, थैंक यू शेख जुबैर, थैंक यू वेलकम नबील असगर, थैंक यू। ओके, आज की ट्रेनिंग जो है, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, धावा पार्टनर ऐप में जो हम वीआईपी मेंबरशिप के जरिए पॉइंट्स देते हैं या एनर्जी पॉइंट्स लेवल्स दे रहे हैं, आप सब जो है उसको एक दफा एक्टिव कर लें, ताकि जो है आप डेली उसकी जो एक्टिविटीज है उसमें एनर्जी पॉइंट्स जो है जमा कर सकें, और उसके बाद जब आप लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 पे आएंगे तो आपकी जो पॉइंट्स जो है उसके बेनिफिट्स आपको साथ साथ मिलते जाएंगे। ठीक है, इस पे वीडियोस भी बनी हुई है और आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग जो है, जो अटेंड कर रहे हैं जो लोग, उनको एक तो 50 एनर्जी पॉइंट्स भी मिलेंगे इसके। ठीक है, और हम इन द मिड ऑफ द ट्रेनिंग किसी वक्त भी हम ब्रेक करेंगे 2 मिनट की, उम्र आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो कहीं पर भी आप जो है रेंडमली वहां पर आपने रोकना है और वहां पर हम QR कोड देंगे रेंडम ड्यूरिंग ट्रेनिंग। वो एंड में भी हो सकता है, वो ट्रेनिंग से बिल्कुल 10-15 मिनट के बाद भी हो सकता है। ठीक है, रेंडमली करना है आपने। ठीक है, तो जैसे ही आप कहेंगे वो QR कोड हम इसको एक्टिव करेंगे और उसके जो है पॉइंट्स आपको स्कैन करने पे अटेंडेंस के पॉइंट्स मिलेंगे, और अटेंडेंस भी हमें पता चलेगा कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। ठीक है, और फिर उसकी डिटेल जो है आपको ऐप के अंदर भी, यूट्यूब के ऊपर भी और फेसबुक पे भी आप इसकी रिकॉर्डिंग बाद में सुन सकेंगे। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, तो अपनी एप्स को जो है वो आप रेडी रखिएगा। ठीक है, तो जैसे ही QR कोड आएगा उसको स्कैन करेंगे हम। एक दो सारे दृश्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है ट्रेनिंग के लिए मैं जो है माइक हैंड ओवर करूंगा मिस्टर उमर रियाज को। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया जी जिसने ज्वाइन किया हमें और अपना टाइम निकाला और दावा के लिए, हमारे लिए, अपने लिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। कुछ लोग मुझे यहाँ पे जानते होंगे और कुछ लोग जो हैं वो अभी मेरे साथ फर्स्ट टाइम रब्ता हो रहा है। उमर रियाज खान मेरा नाम है। दावा के अंदर मैं स्पेसिफिकली प्रोडक्ट लाइन देख रहा हूँ सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की। तो आपके पास, सबके पास स्क्रीन भी शो हो रही होंगी। दावा जो मेरी स्क्रीन है, आपके साथ दावा वेद कैन का एक लोगो नज़र आ रहा होगा, दावा वेद कैन, दावा सिक्योरिटी स्क्रीनिंग प्रोडक्ट। आप ये देख सकते हैं कि दावा वेद कैन सिक्योरिटी स्क्रीनिंग प्रोडक्ट लाइन, या इसके बारे में आज कम्प्लीट आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इसका, और कम्प्लीट प्रोडक्ट लाइन आपको, प्रोडक्ट रेंज आपको बताई जाएगी कि ये किस तरह और कैसे आपके काम आ सकती है। आप लोग जानते होंगे कि दावा की मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस हैं और मल्टीपल डोमेन्स हैं।
इसी तरह धावा ने एक नई अपनी डोमेन स्टार्ट की है वेद कैन के नाम से। थोड़ा सा वेद कैन का आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। वेद कैन के नाम से बेसिकली वेद कैन हमारी एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है धावा की, जिसके थ्रू जिसके प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने अपना जितना भी सिक्योरिटी का इक्विपमेंट है, जिसमें वॉक थ्रू गेट्स हैं, एक्सरे बैगेज स्कैनर्स हैं, हैंडल मेटल डिटेक्टर्स हैं, या ईए सिस्टम है, या इस तरह फिजिकल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट है वो हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा इसका, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट लाइन है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइन है, उसका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उनसे हम लोग किस तरह मुनफरिद हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वॉक थ्रू गेट से। वॉक थ्रू गेट आपको पता है कि वॉक थ्रू गेट नॉर्मली हर जितने भी लोग यहाँ पर हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड, आप सबको आइडिया होगा कि वॉक थ्रू गेट एक प्रॉपर वॉक थ्रू गेट जो होता है, जिसमें से आप लोग कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं, लाइक एयरपोर्ट्स पे, स्टेशन पे, कहीं पे बैंक्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, शॉपिंग मॉल्स में, या कोई आपका कोई कंसर्ट हो रहा है, या फिर आपका कोई जैसे नॉर्मली मुहर्रम होते हैं या फिर आपका रमजान बाजार लगे हुए होते हैं, वहां पर आप वॉक थ्रू गेट को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वॉक थ्रू गेट आपका बेसिकली क्या होता है कि आपका कंप्लीट जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, जब उसके अंदर से कोई बंदा पास हो रहा होता है तो वो उसको रोकता है, उसकी वो निशानदेही करता है, उसको वो डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे या इस बंदे के पास, इस इंसान के पास, ये जो यूजर यहाँ से गुजर रहा है, इसके पास कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम है जो कि अलाउ नहीं है। जिसके अंदर काम किस तरह करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना वो बनती है, फिर उसके बाद आपका जो भी कोई कॉपर होता है, एलुमिनियम, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, या जो भी होता है मेटल, वो आपका डिटेक्ट करके आपको इंटीमेशन देता है कि ये इस इंसान के पास या ये जो पास कर रहा है यहाँ से, इसके पास एक आइटम है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है। इसी तरह जब आप इसको, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो सकता है, एयरपोर्ट्स पे जैसे मैंने बताया, रेलवे स्टेशन हैं, हमारे मेट्रो स्टेशन हैं, हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं, कोई भी हमारा जितने भी ऑफिस हैं, बैंक हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे सब जगह पे हमारा इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है वॉक थ्रू गेट का कि ये किस लिए और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी, जिसके अंदर इसकी क्लासिफिकेशन है। बेसिकली क्लासिफिकेशन से मुराद है इसके अंदर ये क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये किस तरह इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यूनिट है जो कि बेसिक एलसीडी भी है, उसको डिस्प्ले भी बोलते हैं, वहां से ये बेसिकली कंट्रोल हो रहा होता है। टोटल इसके जो है थ्री पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर आपके जो टोटल थ्री पार्ट्स हैं, इसके अंदर एक आपका कंट्रोल यूनिट है और लेफ्ट साइड पे आपके जो हैं डोर पैनल्स हैं। ये तीन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल एक वॉक थ्रू गेट होता है। इस कंट्रोल यूनिट से आप अपनी जितने भी आपके अलार्म्स हैं, जितने भी आपके काउंट्स हैं, जितने भी आपकी सेटिंग्स हैं, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप इसके देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक इंफ्रारेड सेंसर्स हमारे लगे हुए होते हैं, चार इंफ्रारेड सेंसर्स हमारे हर वॉक थ्रू गेट में होते हैं, जिससे आइडिया हो रहा होता है कि जो भी आपका पैसेंजर या जो भी आपका पास हो रहा होता है, उसके पास जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम है वो यहाँ से सिग्नल सेंड करता है अपने मैग्नेटिक कॉइल को, और मैग्नेटिक कॉइल से जो है वो आपका है, आपके कंट्रोल यूनिट या डिस्प्ले पर लेफ्ट साइड पे जो आपकी ये एलईडी इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है वॉक थ्रू गेट की। अब आ जाते हैं उसके अंदर डिटेक्शन जोन्स। पाकिस्तान के नॉर्थ जो गेट्स हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं उसके अंदर तीन टाइप के गेट्स होते हैं, जिसमें 6 डिटेक्शन जोन है, 18 डिटेक्शन जोन है और 33 डिटेक्शन जोन है। डिटेक्शन जोन काम क्या करते हैं? डिटेक्शन जोन एक्चुअली काम ये करते हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड पे पहले वाली साइड पे आप देख रहे होंगे 6 जोन का, इसके अंदर आपके ये जो गेट है पूरा वॉक थ्रू गेट, इसको 6 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसी तरह 18 जोन का जो है, 18 जोन का, उसको आपके 18 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। इसी तरह 33 जोन का जो है, उसको 33 डिफरेंट जोन के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। ये जो जोन्स आपके बेसिकली होते हैं, जिसका लोगों को यहाँ पे आइडिया नहीं है, हम लोग आपके इसीलिए यहाँ पे आपको ये एजुकेट करने आए हैं कि यार ये जोन्स का पता चले, ताकि वॉक थ्रू गेट का आपको आइडिया हो ये काम किस तरह करता है। 6 जोन का जो गेट होता है, नॉर्मल जो एप्लीकेशन हैं, जैसे आपका कोई भी आपका छोटा सा इदारा है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, या जहाँ पे मूवमेंट जो है वो कम है लोगों की, वहां पे आपका 6 जोन गेट है।
छह मुख्तलिफ हिस्सों में ये डिवाइड हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड पर अगर कोई बंदा कोई अपनी पॉकेट के अंदर कोई चीज लेके जा रहा है जो कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, वहां से वो लेके जा रहा है तो लेफ्ट साइड के आपके जो जोन्स हैं वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर वो राइट साइड पे या अपने पाँव में कहीं लेके जा रहा है तो राइट साइड के आपके जोन जो है वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है सिक्स जोन के गेट से कि ये इस बंदे के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आया किसी जगह पे कोई एक चीज ऐसी है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है वो लेके जा रहा है। फिर हम आ जाते हैं 18 जोन के ऊपर। 18 जोन में क्या होता है, एक्चुअली 18 जोन के अंदर आपके पास जो जोन है जो गेट है वो 18 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसके अंदर आपके जोन जो है वो बिल्कुल नैरो हो जाते हैं और आपकी जो एक्यूरेसी है वो मजीद बढ़ जाती है कंपेरेटिवली सिक्स जोन। उसमें क्या होता है कि आपके पास अगर कोई सेंटर में कोई चीज किसी ने रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अपनी चेस्ट पे रखी हुई है या कहीं लेके वो जा रहा है साथ अपने लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो उसको मजीद आपको क्लासिफाइड डिटेक्शन जोन आपको आइडेंटिफाई करके बताता है कि इसके पास इस जगह पे कोई आइटम अवेलेबल है या कोई ऐसी आइटम है रिस्ट्रिक्टेड आइटम जो इसको जो लेके जा रहा है। फिर उसके बाद अगर हम 33 जोन की बात करते हैं तो 33 जोन के अंदर इसको मजीद क्लासिफाइड किया जाता है, ये मजीद जो है इनहांस हो जाती है, इसकी जो कैपेसिटी है या इसकी जो आपके पास परफॉर्मेंस है वो मजीद उसकी एक्यूरेसी इसके अंदर ज़्यादा आ जाती है। इसकी रीजन ये है कि जब एक चीज़ 33 हिस्सों में मुख्तलिफ में तकसीम होगी तो फिर वो आपको एक्यूरेट जगह पे बताएगी कि यार इस जगह पे यहाँ पे इसके पास कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम है या ये कोई चीज़ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड यहाँ से लेके जा रहा है। तो ये थोड़ा सा जोन्स का डिफरेंस है जिसके अंदर आपको पता चलता है। अगर मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इसके बारे में बता देता हूँ कि 6 जोन के अंदर अगर कोई आदमी कोई इंसान या कोई यूजर जो है वहां से उसके अंदर से पास हो रहा है और वो कुछ लेके जा रहा है तो उसका जो लेफ्ट साइड का जोन है जिससे आपको आइडिया हो जाता है एक लिमिटेड सा कि लेफ्ट साइड पर आया कोई चीज है वो आपको पता चलता है। जब 18 जोन की बात करते हैं तो उसके अंदर उस एरिया को मजीद वो छोटा कर देता है, मजीद वो एरिया आपको प्रिसाइज करके बताता है कि यार यहाँ पे कोई चीज है जो कि आपकी रिस्ट्रिक्टेड आइटम वो आपकी जा रही है। फिर उसके बाद 33 जोन पे जब हम बात करते हैं तो 33 जोन पे फिर वो आपके उसका मजीद आइडिया होता है कि वो 33 जोन की जो साइड है यहाँ पे बिल्कुल आपका इस एरिया के अंदर कोई चीज आपके यहाँ से कोई यूजर लेके पास हो रहा है। तो ये बेसिकली डिटेक्शन जोन्स का डिफरेंस है जिसमें 6 जोन, 18 जोन और 33 जोन ये हम लोगों ने डिवाइड किए हुए होते हैं। इसी तरह अब दावा की बात करते हैं तो दावा की जो प्रोडक्ट फैमिली है, जो दावा नई चीज अपने यूजर्स के लिए अपने कंज्यूमर्स के लिए या अपने कस्टमर्स के लिए लेके आ रहा है या अपनी जो भी प्रोडक्ट फैमिली है उसमें नई एडिशन करने का मकसद ये था कि आप लोग अगर कोई भी 10 की प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कैमराज दावा से ले लिए, केबल्स, नेटवर्किंग या जितनी भी चीज़ें थी वो आपने दावा से ले ली। लेकिन जब आपके पास सिक्योरिटी की बात आती थी तब सेकंड ब्रांड के ऊपर शिफ्ट होते थे तो आपका जो सेकंड ब्रांड था वो होते थे हैंडल मेटल डिटेक्टर्स होते थे तो आप दूसरे ब्रांड पे जाते थे। सिंगल अम्ब्रेला के अंदर वन स्टॉप शॉप पे आपको ये सब की सब प्रोडक्ट्स जो है वो आपको मिल सके। दावा ने अपनी प्रोडक्ट के अंदर बाकियों से जो आपको बताया कि दावा हर दफा जो है हर चीज़ के अंदर हर प्रोडक्ट लाइन में बाकियों से मुनफरिद होता है तो हम लोगों ने इसके अंदर एक नई चीज़ ऐड की जिसके अंदर हम लोगों ने 9 जोन क्रिएट ऐड किया जो कि मार्केट के अंदर दूसरे ब्रांड्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। 6 जोन, 9 जोन, 18 जोन और 33 जोन। तो हमारे पास ये 4 गेट्स जो हैं, हमारे पास 4 जोन जो हैं एक्चुअली वो अवेलेबल होंगे। ये 4 गेट्स, 4 गेट्स, 4 मॉडल्स जो हैं जो चैनल मार्केट और कॉर्पोरेट मार्केट के लिए अवेलेबल होंगे, 6 जोन, 9 जोन, 18 जोन और 33 जोन। 9 जोन बेसिकली जो आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा इसकी प्राइसिंग जो बाकी ब्रांड्स के अंदर 6 जोन में मिल रही है वो आपको हम 9 जोन के अंदर प्रोवाइड करेंगे और 6 जोन की जो आपकी प्राइस होगी वो लेस देन अदर ब्रांड्स आपके पास जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनसे कम होगी। प्राइसिंग के अंदर फीचर्स आपको उससे ज़्यादा मिलेंगे, प्राइसिंग आपको उससे कम मिलेगी। फीचर्स उसके अंदर क्या होगी मैं बारी बारी अभी आपके सारे फीचर्स जो हमारे हैं मैं आप नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मैं सेलिंग पॉइंट्स इसके अंदर बताऊंगा कि क्या सेलिंग पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके बिहाफ पे आप दूसरे ब्रांड्स को आप कम्पीट कर सकते हैं। तो 6 जोन, 9 जोन, 18 जोन और 33 जोन, तो टोटल हमारे पास ये 4 हमारे पास ऑप्शन होंगी जिसके अंदर हम लोग आपको मार्केट के अंदर ये नई प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास अवेलेबल होगी। कुछ फंक्शंस जो हमारे हैं जो मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि रिमोट कंट्रोल हम लोग आपको हर गेट के साथ अपने प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें 6 जोन है, 9 जोन है, 18 है, 33 है।
बाकी ब्रांड जो हैं जो अपने हाई एंड है जिसके अंदर 18 और 33 है, मोस्टली 33 गेट्स जोन के जो गेट्स हैं सिर्फ उनके साथ प्रोवाइड करते हैं। तो दावा जो है वो अपने 6, 9, 18, 33 इन सब के साथ आपको रिमोट कंट्रोल की फैसिलिटी दे रहा है, या आपको ऊंचा किसी का हाइट जो है वो छोटी हाइट होती है या किसी का हाथ नहीं पहुंच पा रहा होता है तो उधर वो रिमोट कंट्रोल से कंप्लीट उसकी कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट उसकी सेटिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो हमारे पास है वो 33 जोन है, कम्प्लीटली 33 जोन का जो गेट है वो फुल 33 जोन है। वो ऐसा नहीं होगा कि वो 6 जोन चलाएगा, वो 18 जोन चलाएगा या वो 24 जोन चलाएगा, क्योंकि नॉर्मली जो दूसरे ब्रांड्स हैं अगर वो 33 जोन वाले हैं तो अक्सर औकात वो 24 जोन तक काम करते हैं, 24 के बाद वो काम नहीं करते वो 30। तो हमारे जो है एक्यूरेट प्रॉपरली जो है वो 33 जोन्स के हमारे पास वो गेट्स हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है एलसीडी डिस्प्लेज। हमारे जो डिस्प्लेज हैं आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जितने भी गेट्स अवेलेबल हैं वो आपको अक्सर औकात मिलेंगे वो प्रॉपर जो छोटा सा डिस्प्ले होता है बिल्कुल एक लाइन सा रेड कलर का वो डिस्प्ले होगा जो नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल गेट्स होते हैं। हाई एंड के जो गेट्स हैं उन पर आपको एलसीडी डिस्प्ले जरूर मिलता है लेकिन जो नॉर्मल गेट्स हैं उस पर नहीं मिलता, जबकि हमारे जितने भी गेट्स होंगे सबके साथ आपको कंप्लीट 7 इंच का एलसीडी डिस्प्ले होगा। ऑटो सर्च फ्रीक्वेंसी एक फीचर होता है जो दावा ने मुतारिफ कराया है, बाकी किसी में नहीं, किसी ब्रांड में भी तक नहीं है। अगर आपको मिलेगा तो एक दो हैं ब्रांड जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं काफ़ी हाई प्राइस के अंदर वो आपको मिलेंगे मार्केट में, उसके अंदर ही ऑटो सर्च फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली कि जिससे आप फ्रीक्वेंसी से सर्च कर सकते हैं कि आपने इसको किस जगह पे डिप्लॉय करना है या उस फ्रीक्वेंसी के अंदर कितने अलार्म्स आए थे आप उसको वो देख सकते हैं। तो एक सबसे अच्छा फीचर जो दावा ने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि अभी तक किसी दूसरे ब्रांड में नहीं है, उसके अपने प्रोग्राम्स हैं। बेसिकली प्रोग्राम्स क्या चीज़ होते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आपका एक गेट जो है वो इंस्टॉल हो रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, एक आपका गेट है जो आपका इंस्टॉल हो रहा है शॉपिंग मॉल शॉपिंग सेंटर के अंदर शॉपिंग मॉल में, एक गेट है जो आपका रमजान बाजार में, एक गेट है किसी जलसे जुलूस में इंस्टॉल हो रहा है, एक है किसी यूनिवर्सिटी के गेट पे हो रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, मल्टीपल लोकेशंस वो एडिड हैं, आपने रिमोट कंट्रोल से सिंपली वन क्लिक के ऊपर वो प्रोग्राम सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन आपकी एयरपोर्ट की है या स्कूल की है या कॉलेज यूनिवर्सिटी की है या किसी बैंक की लोकेशन है, आपने वहां से सिर्फ वो प्रोग्राम एक सिंगल क्लिक पे सिलेक्ट करना है। उसका फायदा ये होगा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा, ठीक है। उसके अंदर आपको हर जोन की जाके फ्रीक्वेंसी या आपने सेंसिटिविटी लेवल जो है वो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ एक प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली जो है वो सेट करके और उसकी जो सेंसिटिविटी लेवल है वो ऑटोमेटिकली सेट करके वो दे देगा। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है नेटवर्किंग का। अभी जो हमारे कंपेटिटर्स हैं मार्केट के अंदर कुछ चाइनीज ब्रांड्स हैं कुछ यूरोपियन ब्रांड हैं, नॉर्मल लेवल के गेट्स हैं, चैनल मार्केट के गेट्स हैं या अपने हाई एंड लेवल के गेट्स हैं, सबके अंदर दावा जो है वो अपने नेटवर्किंग की पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप इसको किसी भी तरह आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं कहीं पे भी तो अपने नेटवर्क के साथ या दूसरे सिस्टम्स के साथ, तो आप इसको नेटवर्क के साथ ईजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अलार्म आउटपुट है, ELV डिजाइंस है या नॉट ईजीली फ्लेमेबल है, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि दावा आपको प्रोवाइड कर रहा है और ये वो फीचर्स हैं जो बाकी ब्रांड्स की निस्बत हम लोग मुनफरिद है। हमारा जो कंपैरिजन है जो आप बाकियों से हम लोग बाकियों से चेंज है डिफरेंट है। फिर उसके बाद अगर हम टेस्ट करें, इसके अंदर हमारे पास ऑटो टेस्ट की एक फ्रीक्वेंसी है, एक ऑटो टेस्ट का एक फीचर है हमारे पास जो आपको ऑटोमेटिकली चेक करके बताता है कि ये जो है आया आपका गेट जो है इसके सब जोन ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या किसी जोन में मसला आ रहा है या किसी जोन में कोई प्रॉब्लम है, ये ऑटोमेटिकली जो है ये अपना सेल्फ टेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं ये वो कर सकता है। तो उसके अलावा ये अब आप वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका सेल्फ डायग्नोस्टिक जो है वो आपका चल रहा है, वो आपका खुद से ही यहाँ पे इसने टेस्ट किया है और वो चेक कर रहा है आपका यहाँ पे। फर्दर इसके अलावा अगर आपको जो फ्रीक्वेंसीज हैं आपका फ्रीक्वेंसीज जो भी हैं वो आप कर सकते हैं, वो उसके अंदर ऑटो सर्च कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको गाइड कर दूँ, अगर यहाँ पे किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप अपना हैंड जो है वो आप रेज कर सकते हैं, हैंड रेज करके हम आपको प्रॉपर जो भी है वो आपको उसका आंसर देंगे। कोई भी आपका सवाल होगा
आप वो पूछ सकते हैं, हम आप रेज हैंड अपना रेज करें, हम आपको बताएंगे उसके ऊपर। इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा किसी के कुछ कुछ सवाल सवाल हैं हैं यहाँ तो पे? एक ही सेकंड में अनम्यूट करूंगा तो आप सवाल। जी ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चंस हैं तो। रेडमी नोट 8 जो है, 8 Redmi Note 8 का यहाँ पे कुछ कोई सवाल है तो क्वेश्चन आप है? कोई आगे क्वेश्चन बताएं। है प्लीज आप पूछ सकते हैं। रेडमी का नहीं है रेडमी नोट 8 आपका कोई क्वेश्चन है? आपने रे हैंड रे अपना रेस ओके किया है। नेक्स्ट शहजाद इजाज़ अहमद साहब आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। अब माइक इन व्यू कर सकते हैं। शहजाद अहमद साहब आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं सेशन को अपना स्टार्ट करता हूँ। ये भी जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि प्रोग्राम्स के बारे में, तो आप इसके जो प्रोग्राम्स हैं वो आप ऑटोमेटिकली सिंगल एक क्लिक के ऊपर आप सेट कर सकते हैं। सिंगल क्लिक के ऊपर सेट करने से क्या होगा कि इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसीज अपनी सेट नहीं करनी पड़ेंगी, उसे आपका ऑटोमेटिकली जो है वो आपका वो सेट होगा और उसके बाद आप उसके अंदर देख सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसीज और आपकी जितनी भी चीज़ें हैं लाइक आपकी सेंसिटिविटी लेवल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के साथ सेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर 10 कस्टमाइज प्रोग्राम्स के हम सेपरेट ऑप्शन दे रहे हैं। उन प्रोग्राम्स का फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो लोकेशंस इसमें दिए हुए 80 प्रोग्राम्स जो आपके दिए हुए, अगर आप उसके अंदर ऑटोमेटिकली अगर आप खुद मैनुअली अपनी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो आप सेट करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल ये जो ऐसे तस्वीर आपके सामने है, कि अगर कोई भी आपकी लोकेशन है, आपका कोई भी एक होटल है या रेस्टोरेंट है या स्कूल है या कुछ भी, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं, या हमारे पास जो हैंड गन है, डैगर है या पॉकेट नाइफ है, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है, जबकि ग्लासेस हैं, कीज हैं, कॉइन्स हैं, बेल्ट्स हैं, ये हमारे पास जो हैं, या वॉचेज हैं हमारी, ये हमारी जो है वहाँ पे अलाउड अलाउड आइटम्स हैं। तो हम लोग ऑटोमेटिकली वहाँ से उन कस्टमाइज करके प्रोग्राम्स को सेट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो बीप देगा, आपका जो अलार्म देगा, वो आपका सिर्फ ये जो लेफ्ट साइड के आइटम्स हैं जिसके अंदर आपका हैंड गन डैगर है, ये जो बड़ी आइटम्स है, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स है, उस पर देगा, जबकि दूसरी जो आपकी आइटम्स हैं, जो ग्लासेस हैं, कीज हैं, कॉइन्स हैं, इनके ऊपर आपका वो अलार्म नहीं देगा। तो इसका फायदा ये होता है कि जितने भी हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं उसके अंदर सबने ग्लासेस भी पहने हुए हैं, मोस्टली लोगों ने बेल्ट भी लगाई हुई है, मोबाइल फोन भी रखे हुए हैं, की चेन्स भी उनके पास हैं, तो वो लोग जब पास होते हैं तो उसके ऊपर अलार्म जो है वो जनरेट नहीं होता, तो उसके ऊपर बीप नहीं आती, लेकिन उसके ऊपर जो है आपके जो दूसरी चीजें में आइटम्स है अगर वो कोई लेके जा रहा होता है तो उसके ऊपर आपके पास फिर बीप आ जाती है। तो ये बेसिकली प्रोग्राम्स का एक एक्स्ट्रा फीचर जो है जो ये दावा ने इंट्रोड्यूस करवाया, अभी तक ये किसी दूसरे ब्रांड में अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पीपल काउंटिंग के ऊपर। इसके अंदर ऑलमोस्ट 98% हमारे पास इसकी कैपेसिटी है, एक्यूरेसी है कि ये आपकी जो है पीपल आपके अकाउंट करता है, और आपके जो है इसके अंदर आपका जब नेटवर्क के ऊपर अगर आप इसको सेट कर देते हैं, तो नेटवर्क के ऊपर जब आप सॉफ्टवेयर से सेलेक्ट करते हैं तो तब भी आपकी पीपल काउंटिंग की जो भी रेशियो है या जो भी आपकी अलार्म काउंट है, पीपल काउंट है, ये आपको सारा का सारा सॉफ्टवेयर के अंदर भी शो करवा रहा होता है। तो पीपल काउंटिंग की जो फैसिलिटी है वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर थोड़ा गाइड कर दूँ सॉफ्टवेयर के हवाले से, वो आगे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ। सॉफ्टवेयर्स के साथ भी हमारे जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, और सॉफ्टवेयर के साथ भी हमारे जो हैं वो चल सकते हैं, तो और ये सॉफ्टवेयर के साथ भी आपकी इंटीग्रेशन जो हैं वो आपकी हो जाती हैं। इसी तरह फिर ये डिज़ाइन हैं कुछ बेसिकली कि हमने 12 वोल्ट DC के ऊपर लो वोल्टेज के ऊपर ये चल रहा होता है, चार्जर होता है, और इसके बाद जो मटेरियल है वो हमारा बाकियों की नस्बत बेहतर है, फायर रिटार्डेंट है, इसके ऊपर जल्दी आग नहीं लगती, और इसका जो कॉपर है वो प्योरली कॉपर है, तो ये चीज़ें। अच्छा, अब एक ऐसा फीचर जो कि बाकी जो हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं या कंपेटिटर्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, जो कि दावा प्रोवाइड कर रहा है, वो है यूपीएस मॉड्यूल। आपका नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट होती है यूपीएस मॉड्यूल की, जिसके अंदर आपको वो अक्सर औकात आपके टेंडर्स के अंदर, आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, या कोई ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे
इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है वहां पे, वो लोग उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि यूपीएस मॉड्यूल आपका होना चाहिए, वो बैटरी बैकअप के ऊपर आपका चलना चाहिए। दावा ने ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई है और दावा जो है ये प्रोवाइड कर रहा है कि यूपीएस मॉड्यूल जो है उसके अंदर आपका बिल्ट इन यूपीएस मॉड्यूल और ऑप्शनल बैटरी की आइटम्स इसके अंदर होती है, जो कि इसका जो ऊपर मॉड्यूल होता है, जो इसका यूनिट होता है वहीं पे फिट हो जाती है, कोई आपको एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगानी पड़ती। अगर आप एक्सटर्नल बैटरी लगाना चाहें, एक्सटर्नल यूपीएस लगाना चाहें, उसकी ऑप्शन भी सेपरेटली अवेलेबल है, लेकिन जो दावा का एक यूनिक फीचर है जो बाकी किसी ब्रांड में अवेलेबल नहीं है, वो बिल्ट इन यूपीएस का फीचर है, जो कि हम आपको यूपीएस मॉड्यूल इसके अंदर बिल्ट इन देंगे, बाकी किसी ब्रांड के अंदर ये चीज फीचर अवेलेबल नहीं है, सबके पास एक्सटर्नल होता है। फिर उसके बाद ये थोड़े सा कुछ फीचर हैं 6 जोन के, और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था पीपल काउंटिंग का, फिर अगर जैसे कैमरास का आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर देते हैं, फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं, इसी तरह आप जो हमारा हार्डवेयर है, जो वॉक थ्रू गेट्स हैं, इसका फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट फीचर जो नए फीचर्स आते हैं वो ऐड कर सकते हैं, सेंसिटिविटी लेवल इसका आप जो है ना वो चेंज करके बढ़ा सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो कि आप सेट कर सकते हैं, ऑटो सेट फ्रीक्वेंसी वो आप देख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ 18 जोन के फीचर्स हैं, उससे ज़्यादा फीचर्स हैं, 6 जोन से जैसे जैसे फीचर्स आपके जोन आपके इंक्रीज हो रहे हैं, फीचर्स आपके इसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ है जो कि कोविड के अंदर स्पेसिफिकली यूज हुई थी हमारे पास, जो कि टेम्परेचर डिटेक्शन था। तो दावा ने जो अपना जो ब्रांड अपना जो ये वॉक थ्रू गेट इंट्रोड्यूस करवाया है, हमारे पास एक ऑप्शनल आइटम है जिसके थ्रू आप टेम्परेचर भी डिटेक्ट कर सकते हैं, मास डिटेक्शन, टेम्परेचर डिटेक्शन, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी आपका डिटेक्ट हो सकता है। पैसेंजर काउंट, अलार्म काउंट के साथ साथ टेम्परेचर डिटेक्शन और इसके ऊपर कितने अलार्म आए थे, ये सब चीज़ें आपकी इसके ऊपर काउंट हो सकती हैं। तो ये इसके बाद हमारे जो फीचर्स हैं 18 जोन और 33 जोन, तो ये सारे फीचर्स आपके सामने कुछ हैं। अच्छा इसके अंदर जो हम लोगों ने कुछ एक सेपरेट चीज़ दी है जो बाकियों के पास नहीं है, वो एक ये है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल प्री वर्किंग कर रहे हैं, प्री वर्किंग के अंदर आप एक चीज़ डाल दें ट्रैफिक लाइट की, दूसरी चीज आप डाल दें पिन पॉइंट डिटेक्शन की। पिन पॉइंट डिटेक्शन और ट्रैफिक लाइट, ये दोनों चीजें जो हैं जो हायर एंड ब्रांड्स हैं सिर्फ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप टेक्निकली जो आपके इक्विवेलेंट ब्रांड्स हैं, चाइनीज ब्रांड्स हैं, उनको आप इस इन ब्रांड्स इन फीचर्स की वजह से आप उनको टेक्निकली आउट कर सकते हैं, टेक्निकली आप उनको निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, अगर ये 2-3 फीचर्स जो हैं ये आप प्री वर्किंग के अंदर अगर आप अपने डलवा देते हैं। तो अब इसके अंदर एक मेजर फीचर आपको पता है कि दावा जो है वो कैमरास के अंदर सीसीटीवी में पाए नहीं रहे, तो हम लोगों ने इसके अंदर कैमरा भी जो है वो जो हमारे प्रोजेक्ट मॉडल है उसमें बिल्ट इन दे दिया है। जो हमारे चैनल मार्केट के मॉडल हैं 9 जोन, 6 जोन, 33 जोन या 18 जोन, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शनल फीचर है कि आप इसके साथ कैमराज भी ऐड कर सकते हैं। कैमराज की जो लाइव स्ट्रीमिंग है या कैमराज की जो फोटोज हैं जो आपके जिसके ऊपर अलार्म आ रहा है, वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर और आप सिस्टम के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था हमारे वॉक थ्रू गेट्स का, इस सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की एक प्रोडक्ट का। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आपको माइक पे ताकि हम एनेबल करें और एनेबल करके नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर दे सकें। रेडमी नोट आपका माइक जो है मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मैंने पूछना था कि जो वॉक थ्रू गेट है 33 जोन वाला, 18 जोन वाला जो भी है, इसमें जो सुई होती है वो कील वगैरह होता है, ये इसको भी डिटेक्ट करेगा? जी, एक छोटा सा जो कॉइन होता है आपका, कॉइन आप इसके सेंसिटिविटी लेवल जो है वो आप इसके चेंज करके वो आप डिटेक्शन इसकी जितनी चाहे आप कम कर सकते हैं। एक सुई भी अगर कोई वहां से लेके जाएगा तो वो भी डिटेक्ट करेगा। ठीक हो गया। और सेकंड में क्वेश्चन ये है कि ये वाटरप्रूफ है? अच्छा, इसके अंदर वाटरप्रूफ के हमारे पास ना ऑप्शनल आइटम है, ये IP67 रेटेड है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और वो ये चीज ऑप्शनल है, अगर आप डिमांड करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये ऑप्शनल आइटम है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है जी फहद उमर साहब, आपका माइक जो है वो अनम्यूट किया है। फहद उमर साहब का जो क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं पूछना ये चाह रहा था, जैसे दावा की आई सीरीज आई हुई है NVR की, DVR की, ठीक है, इसी तरह इसके वॉक थ्रू गेट्स में कुछ इस तरह का फीचर है AI वाला,
कि उसमें हम कैमरास के साथ मतलब एआई फीचर्स का फायदा उठा सकें, और जो एंट्री हम बैन करना चाहते हैं, जो एंट्री हम इनेबल करना चाहते हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकें, या जैसे एयरपोर्ट्स पे इंस्टॉल होता है वहाँ पे वांटेड क्रिमिनल्स होते हैं उनके हमने डेटाबेस में पिक्चर्स ऑलरेडी डाली हुई होती हैं, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करके पहले प्रयोग रोका जा सके या आइडेंटिफाई किया जा सके। जी फहद साहब, बिल्कुल ऐसा है कि आप कोई भी एआई कैमरा जो है वो हमारे वॉक थ्रू गेट के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोई भी आप कैमरा होगा वो आप इसके साथ इंस्टॉल करके इसके अंदर स्पेस होती है और आपके उसके जितने भी फीचर्स हैं आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। फर्दर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हम जाके हम नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइन पे बात करें फिर। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइन हमारी जो है वो है जी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। ये नॉर्मली कॉमनली यूज होता है, इसके अंदर कोई खास मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन मैं नहीं बताऊंगा आपको ज्यादा, इसका एक ओवरव्यू और आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नॉर्मली आपका जहाँ जहाँ पे यूज होता है कि जितने भी मेजर इवेंट्स हो रहे होते हैं, बैंक्स हैं, सिक्योरिटी कंपनीज हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई अगर आपका कॉन्सर्ट हो रहा है या कहीं पर आपका कोई भी शॉपिंग मॉल है वहाँ पर आपकी ये जो है यूटिलाइज होता है। और उसके बाद फर्दर इसके अंदर हमारे पास दो मॉडल्स हैं, एक हमारा हाई एंड मॉडल है और एक हमारा लो एंड है। ये जो अभी आपके सामने ISC H001 है ये हमारा लो एंड मॉडल है जिसको आप चैनल मार्केट का मॉडल भी कह सकते हैं और नॉर्मल प्राइस के अंदर मार्केट के अंदर भी अवेलेबल होगा इसके अंदर। और दूसरे जो हमारा दूसरा मॉडल है उसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो हमारे पास वाइब्रेशन का और अलार्म का डिफरेंस है, और तीसरी चीज़ जो हमारी उसके पास उसके अंदर डिफरेंस है वो है हमारे पास सेंसिटिविटी लेवल्स। एक्चुअली ये हमारे पास इसके अंदर ये जो H002 है इसके अंदर हमारे पास सेंसिटिविटी लेवल्स हैं, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नाइफ के ऊपर, आपकी बेल्ट के ऊपर या आपके जो कोई क्वाइन है या कोई पिन है उस पर आपका ही बीप नहीं देगा, उससे बड़ी कोई भी आइटम होगा उसके ऊपर ही आपको बीप देगा। तो ये इन दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस है जो हमारे पास यहाँ पर है। अच्छा अब्दुल बासित साहब, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। अब जरा मैं आपसे थोड़ा सा लेट क्वेश्चन पूछना इसलिए माजरा चाहता हूँ, सिर्फ मैंने दो चीज़ें पूछनी थी। देखिए हम चाइनीज ब्रांड मुख्तलिफ यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें एक फ्यूचर ये आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि इसको हम वॉक थ्रू गेट को आपका एज ए टर्न स्टाइल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि फेस डिटेक्ट करे कैमरा लगा कर और वो टर्न स्टाइल का काम करना शुरू कर दे, यानी कि किसी को परमिशन दे दे, तो ये बताने वाली। सर बिल्कुल, ये जो टर्न स्टाइल का आप सोल्यूशन बता रहे हैं ये बिल्कुल आपका इसके साथ इंटीग्रेशन हो सकती है थ्रू कंट्रोलर। हमारे पास दावा के अंदर कंट्रोलर्स भी अवेलेबल हैं कि आप फ्रंट पे जो है वो आप जो हमारी ट्राईपॉड टर्न स्टाइल है या फ्लैप बैरियर है हम उसको इंस्टॉल करें और उसके बाद जो है फिर उसके साथ वॉक थ्रू गेट करें तो वहाँ से वो डिटेक्ट होके जाए, तो बिल्कुल इंटीग्रेशन इसकी पॉसिबल है। तो इसके लिए लाइसेंसिंग वगैरह की जरूरत पड़ेगी दावा के जो आप लोगों का पीसी बेस्ड सॉफ्टवेयर है इसके साथ हमें लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने ये कुछ प्रोजेक्ट करना है और तकरीबन हमारे पास जो किसी इंस्टीट्यूट में लगाना है और हमारे पास जो है 2,000 से 3,000 स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप इसका भी मुझे आइडिया। उसके अंदर मैं सर आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि हम लोग आपको ना इसके ऊपर आप पर्सनली कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको इसके ऊपर प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो हम इसका बना के आपको गाइड कर देंगे सेपरेटली कि इसके अंदर आप किस तरह इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हैंड हेल्ड का जो हमारा था, हैंड हेल्ड का जो इंट्रोडक्शन था बेसिक ये मैंने आपको गाइड किया। वॉक थ्रू गेट और हैंड हेल्ड ये दो मेजर चीज हैं, ये दो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इसको चैनल मार्केट और प्रोजेक्ट मार्केट दोनों में यूटिलाइज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस में आपको बता चुका हूँ, आपको इनका डिफरेंस बता चुका हूँ, इनका मेजर डिफरेंस क्या है, जोन्स का बेसिक डिफरेंस क्या है और ये कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो सकते हैं। जैसे अब आपके होपफुली नेक्स्ट ईयर के अंदर आपके पास इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में इसकी यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है वॉक थ्रू गेट्स की, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स की। उसके अलावा आपका रमज़ान बाजार जो होते हैं, रमज़ान बाजार के अंदर आप जो नॉर्मल एप्लीकेशन है वहाँ पर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं हैंड हेल्ड या वॉक थ्रू गेट्स को। फिर मुहर्रम आता है, मुहर्रम के जितने जुलूस हैं, कोई भी जलसा जुलूस हो रहा है, क्रिकेट के मैचेज हो रहे हैं आपके डिफरेंट स्टेडियम्स के अंदर, वहाँ पर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बैंक्स के अंदर आप इसको पुश कर सकते हैं कि आपके जितने भी आपके कॉर्पोरेट ऑफिस हैं वहाँ पे आप इसको पुश कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को। आपकी कोई फैक्ट्री एरियाज हैं, फैक्ट्रीज हैं डिफरेंट, वहाँ पे आप इनको पुश कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ये यूटिलाइज होंगे
और रोजमर्रा की इनकी जो है वो जरूरत होती है। सिक्योरिटी कंपनीज जितने भी हैं जो गार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आप उनको भी गाइड कर सकते हैं, उनको भी आप ये दे सकते हैं। फिर गवर्नमेंट के काफी इदारे हैं जिसके अंदर आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, वहाँ पे आप ये दे सकते हैं, वहाँ पे आप जो आपकी जितनी भी आपकी असम्बलीज हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस अगर हम गिनने में हैं तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो मेजर एप्लीकेशंस जो पाकिस्तान में मेजर इसका यूज हो रहा है वो मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है वो हमारी प्रोडक्ट लाइन है, एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बता दूँ, इसके अंदर हमारे पास जो एक WIS सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की जो एडिशन की मैंने वो आपसे बात की थी, हमारे वॉक थ्रू गेट्स जो हैं वो WIS एक हमारा अपना वेथ कैन का सॉफ्टवेयर है, 4 वॉक थ्रू गेट्स आप इसको सिंगल सॉफ्टवेयर के थ्रू सिंगल लोकेशन के ऊपर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास एक जगह पे 4 गेट्स आपके एट अ टाइम सिंगल इंस्टॉल हो रहे हैं, आप उसको सेंट्रलाइज कंट्रोल करना चाह रहे हैं, सेंट्रलाइज आपके थ्रू नेटवर्क को आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे, सॉफ्टवेयर में आपके जितने भी अलार्म्स हो रहे होंगे, आपके जितने भी पीपल काउंटिंग हो रही होगी, जितनी भी पिन पॉइंट डिटेक्शन हो रही होगी, जितने भी या टेम्परेचर डिटेक्शन इवन आपके हो रही होगी, वो आप इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो आप देख सकते हैं। WIS सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। 4 गेट्स आप अगर लगाना चाहें, 1 गेट लगाना चाहें, 2 लगाना चाहें, अप टू 4 गेट्स, 4 गेट्स तक अगर आप लगाना चाहें तो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। 4 से ज़्यादा अगर आप जाते हैं तो फिर आपको सॉफ्टवेयर चेंज करके उसके ऊपर अपग्रेड करना पड़ेगा और उसका लाइसेंस। तो स्मॉल मीडियम जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा आप उसके ऊपर इसको इजीली पिच कर सकते हैं, इजीली आप उसको ये बता सकते हैं और ये आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है वो हमारी है बैगेज स्कैनर और पार्सल स्क्रीनिंग। बैगेज स्कैनर बेसिकली प्रोजेक्ट मार्केट की एक प्रोडक्ट है, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन देना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी मैं समझता हूँ कि ये प्रोडक्ट भी अब दावा के पास अवेलेबल है। जैसे अगर आप कोई भी टन की प्रोजेक्ट कर रहे हैं, टन की प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आती हैं सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से रिलेटेड। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के अंदर आपके पास वॉक थ्रू गेट भी आ गया, हैंडल मेटल डिटेक्टर भी आ गया, तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी एक्सरे बैगेज स्कैनर है। एक्सरे बैगेज स्कैनर नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपके पास जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट होटल्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, आपके पास जो 5-स्टार होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, या फिर आपके पास मेट्रो स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका जो है वो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ इनका इस जगह पर होता है। ये बेसिकली क्या करता है, जिस तरह आपने कोई भी इंसान का एक्सरे होता है और उसकी एक पूरी एक रिपोर्ट बनती है और वो एक एक्सरे इमेज आपको दे देता है और वो इमेज से जो है वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आया इंसान के अंदर किस जगह से कोई हड्डी टूटी हुई है, कोई डैमेज है या जो भी है वो उस आप एक्सरे से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपना बैगेज स्कैन करना है, अगर आपने अपना लगेज स्कैन करना है, आपने अपना बैग स्कैन करना है, तो उसके लिए आपका एक्सरे बैगेज स्कैनर होता है जो कि दावा ने भी इंट्रोड्यूस करवाया है। नॉर्मली इसकी एप्लीकेशंस मैंने आपको भी बताई हैं, मजीद आपको एप्लीकेशंस बताऊंगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये काम किस तरह करता है, जब आप एक अपनी प्रोडक्ट जो है या अपना लगेज जो है, अपना हैंड कैरी है, कुछ भी है, वो आप उसकी उसके अंदर प्लेस करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, उसकी जो बेल्ट है उसके ऊपर, वहाँ से वो स्कैन होता है, स्कैन होकर उसमें से एक्सरे जनरेटर से एक्सरेज इमिट्स होती हैं, एक्सरे जो रेज हैं उसमें से निकलती हैं, जो कि आपका इक्विपमेंट है, जो आपका बैग है उसमें से पास आउट होती हैं, पास आउट होके वो आपको एक इमेज दे देते हैं एक डिस्प्ले के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर ना 2 टाइप्स होती हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसका बता दूं, एक होता है सिंगल एनर्जी और एक आपका होता है ड्यूअल एनर्जी। सिंगल एनर्जी और ड्यूअल एनर्जी में क्या फ़र्क होता है, सिंगल एनर्जी के अंदर आपको जो है हमेशा सूडो कलर्स मिलते हैं, सूडो कलर्स मीन्स कलर्स का मिक्सचर, ट्रू कलर्स का मतलब होता है जो ड्यूअल एनर्जी में मिलता है, ट्रू कलर्स मीन्स प्रॉपर जो ट्रू कलर्स होते हैं आपको हर चीज़ का सेपरेट कलर्स। स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे ऑर्गेनिक या जो हमारे पास जितने भी लिक्विड्स होते हैं या फूड है या कोई भी ड्रग्स हैं उनके लिए जो भी लिक्विड्स के लिए कलर यूज होता है वो ऑरेंज कलर यूज होता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, इसको कहीं लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सरे बैगेज के अंदर आपको आइडिया हो कि आया ये कहाँ से चीज़ें पता चलती हैं। ऑरेंज कलर आपका जो भी होगा वो आपका लिक्विड के लिए होगा जो आपकी मशीन में शो करवा रहा होगा, ग्रीन कलर आपका जो भी होगा जिसके अंदर कोई प्लास्टिक आइटम होगी या रबड़ की आइटम होगी वो आपका ग्रीन कलर के अंदर वो आइटम आपका शो करवाएगा, ब्लू कलर के अंदर आपका जो भी होगा वो मेटल या इनऑर्गेनिक मटेरियल जो आपका रिस्ट्रिक्टेड आइटम है वो आपकी ब्लू कलर के अंदर शो होगी, जिस मेटल का
बहुत ज्यादा हैवी मेटल है या हाई डेंसिटी है, जैसे आपकी गन है या शार्प नाइफ है, वो आपकी ब्लैक कलर के अंदर शो हो रहा होगा। तो ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ये चार कलर्स हैं जिसके मिक्सचर के ऊपर या आपकी एक्सरे बैगेज स्कैनर जो है वो आपको शो करवा रहा होता है कि इसके अंदर क्या प्रोडक्ट है या जो आपका बैग स्कैन होके जा रहा है इसके अंदर क्या चीज़ है, तभी आपका जो सिक्योरिटी ऑफिसर है या ऑपरेटर है वो आपका बैग चेक करवाता है, वो चेक करते हैं। ये सिक्योरिटी स्क्रीनिंग मशीन जो है बेसिकली, जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि बेसिकली क्या किस तरह काम करती है, कि एक एक्सरे डिटेक्शन इसका बोर्ड होता है, फिर इसके ऊपर आपकी यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट होती है, फिर एक एक्सरे जनरेटर होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा टनल्स, इंस्पेक्शन टनल। बेसिकली आपकी जितनी भी मशीन्स होती हैं ये आपकी टनल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये टनल्स का बेसिक काम क्या होता है, ये जो टनल आपकी बनी हुई है, ये जो आपके साइजेस हैं डिफरेंट, ये इसके अंदर किस काम आती हैं। तो ये हमारे पास जो नॉर्मल मार्केट के अंदर यूटिलाइज होती हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान मार्केट के अंदर, अगर आप पाकिस्तान मार्केट की बात करें तो 50-30 सेंटीमीटर और 65-50 सेंटीमीटर, ये दो टनल साइज हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। इसमें टनल की विड्थ होती है और टनल की हाइट होती है, बेसिकली दोनों एरियाज में 60-50, 50-30, और अगर आपके कोई 5-स्टार होटल जाएंगे या एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे आपके 100x100 यूज होती है। तो अगर आप चैनल मार्केट से हैं या किसी प्रोजेक्ट में अगर आप कोट कर रहे हैं तो नॉर्मली आप कोट करेंगे 60-50, 6550 जिसको हम बोलते हैं। आगे फर्दर इसके मैं मॉडल्स भी आपको बताऊंगा, ये वो मॉडल्स हैं जो कि आपके कॉमनली मार्केट के अंदर यूटिलाइज हो रहे होते हैं। अगर किसी आप लोगों का यहाँ पे आप किसी होटल के अंदर जाएं, या अगर आप ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन लाहौर के अंदर है, अगर आप इसके अंदर इसमें देखें यहाँ पे जितने भी ये टनल साइजेज हैं या इस टाइप की जो आपकी एप्लीकेशन हैं वहाँ पे 60-50, 6550 जो है मशीन्स वो नॉर्मली यूटिलाइज हो रही होती हैं। एयरपोर्ट्स पे जाएंगे, 5-स्टार होटल्स में जाएंगे, 100x100 की आपकी मशीन्स वहाँ चल रही होंगी। नॉर्मल ऑफिसेज होंगे, छोटे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है या कोई छोटी सी इंडस्ट्री है जहाँ लगेज ज़्यादा नहीं है, वहाँ 50-30 जो है वो आप यूटिलाइज कर रहे होंगे। ये हमारी जो है ना थोड़ी सी प्रोडक्ट की फैमिली है दावा की, जिसके अंदर आपके 50-30A है, 6550A है। अभी मार्केट के अंदर जो अवेलेबल होंगी वो दो मॉडल्स अवेलेबल होंगे, 50-30A और 6550A। ये दो मॉडल्स हैं 6550A, 50-30A, ये थोड़ा हॉट मॉडल है, यही मार्केट के अंदर अभी नॉर्मली अवेलेबल होंगे। ये बताने का मकसद ये है कि अगर किसी के पास भी कोई एक्सरे बैगेज स्कैनर की रिक्वायरमेंट आती है तो वो 50-30A और 6550A ये दो मॉडल्स जो है ये कोट कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे आपको जिक्र किया था कि ये जो कन्वेयर बेल्ट है या जो आपकी ये टनल साइज है ये किस काम आती है या किस लिए होती है, आपके पास एक चार्ट छोटा सा शो हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि 80 kg कैपेसिटी का एक वेट है जो कि छोटा सा कोई होटल है 4-स्टार 3-स्टार या कोई भी आपका शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे आप इसको 50-30A को यूटिलाइज कर सकते हैं। कहीं आपकी बड़ी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप 200 kg का आपको पता है कि यहाँ से लोड गुजरेगा, वहाँ पे आप 6550A मशीन जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स हैं, काफ़ी हैवी लगेज हैं, आपके रेलवे स्टेशन हैं, बड़े बड़े भारी भारी सूटकेस लोगों के जाते हैं, वहाँ पे 250 kg तक आपका जो लगेज होगा 100x100 के अंदर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये तीन आपको मैंने बेसिक मॉडल्स बताए हैं जो कि आपके नॉर्मली यूटिलाइज होंगे। ये अच्छा, एक चीज़ अब आ जाता है फीचर जो दावा बाकियों की नस्बत हम लोग बाकियों से अलग हैं, बाकियों से मुफरीद हैं या बाकियों से हम अलग चीज़ दे रहे हैं, वो क्या है कि हम इसके अंदर हमने अपनी मशीन्स में AI एल्गोरिदम्स दे दिए। एल्गोरिदम्स क्या हैं, आपकी कोई भी गन है, आप नॉर्मली मशीन के अंदर जा रही है, नॉर्मल मशीन जो है या दूसरे जो ब्रांड्स हैं उसमें अगर कोई भी मशीन में से कोई इक्विपमेंट या कोई भी बैग पास हो रहा है उसके अंदर अगर आपके पास कोई गन वहाँ से पास हो रही है तो आप उसको देखेंगे तो आप पहचानेंगे यार ये गन है, उसके अंदर से कोई चाकू जा रहा है, कोई नाइफ जा रही है, कोई बॉटल जा रही है, आप उसको देखेंगे तो आप जज करेंगे यार ये गन है, ये बॉटल है या ये नाइफ है। AI एल्गोरिदम का फ़ायदा क्या है, AI एल्गोरिदम का फ़ायदा ये है कि आप गन का, उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ है, बैग है, बॉटल है, आप उसका एक इमेज सेट कर देते हैं, उसका AI एल्गोरिदम जो है आप उसके अंदर सेट कर देते हैं यार ये चीज़ है, तो जब भी वो नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ वैसी उसमें से पास होगी उसका नाम शो करवाएगा कि ये लिक्विड है, ये गन है, ये नाइफ है, ये बैग है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या जो भी चीज़ है वो आपको AI एल्गोरिदम की वजह से आपको उसके अंदर शो करवाएगा।
तो सबसे बेस्ट और जो दूसरों से मुनफरिद चीज़ है वो है एआई एल्गोरिथम्स। तो ये चीज़ कोई और ब्रांड भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिर्फ दावा आपको प्रोवाइड कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स जो कि दावा ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं अपनी एक्सरे बैगेज स्कैनर मशीन्स के अंदर। फर्दर फिर इसके अंदर हम आ जाते हैं कि बिल्ट इन सर्वेलेंस कैमराज हमारे पास अवेलेबल है। बिल्ट आप जैसे वॉक थ्रू गेट के अंदर हमने आपको सर कैमराज दिए थे जिसमें ऑप्शनल कैमराज भी थे और बिल्ट इन भी थे, इसमें हमने आपको दोनों साइड्स पे इन और आउट साइड पे आपको बिल्ट इन कैमराज दे दिए हैं। उसकी जो पूरी वीडियो स्ट्रीम है वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सर्वर के अंदर, आप उसके अंदर जो पिक्चर्स हैं फोटोज जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। एक कैमरा आपका इन साइड पे और एक कैमरा आपका आउट साइड पे। उसकी रीजन क्या है, अक्सर उकात क्या होता है कि मेरे पास लोग क्यू में लगे हुए हैं, मुझसे अगला बंदा जो है उसके पास कोई एक ऐसी आइटम है जो कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, उसने अपना बैग रखा, बैग वहीं छोड़ दिया, पास होके निकला, किसी दूसरे इंसान ने या किसी दूसरे बंदे ने वहां से उठाया या नहीं उठाया, तो उसके बाद उसको आइडिया हो जाएगा, उस कैमरे में उसकी फोटो आ जाएगी, कैमरे में उसकी पिक्चर आ जाएगी कि जो बैग रखने वाला है इन साइड से वो भी कौन, वो बंदा कौन है, और जो आउट साइड से उठाने वाला है, जो एग्जिट साइड से बैग पिक करने वाला है वो कौन है। तो इन कैमरास का बेसिक डिफरेंट बेसिक पर्पस ही ये है, आपको आइडिया हो सके कि बिल्ट इन कैमरास के थ्रू आप देख सकते हैं कि बैग या लगेज जिसने रखा है कि आया उसी ने उठाया है या किसी और ने उठाया है। एक मुबाइल फीचर है जो कि बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, उसमें ऑप्शनल जरूर होता है, हमारे पास ये बिल्ट इन फीचर है, तो बिल्ट इन दावा आपको ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है। इसका थोड़ा सा वर्किंग प्रोसेस है, फिर उसके बाद आप इसकी लिंकेज कर सकते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट कैमरास के साथ, नेटवर्क के साथ आप इसकी लिंकेज करवा सकते हैं कि जैसे बाकी आपके जितने भी जैसे DSS2 है आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप मल्टीपल इंटीग्रेशन आप करके आप इस सॉफ्टवेयर आप अपनी मशीन्स को जो है वॉक थ्रू गेट्स को सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर सिंगल सॉफ्टवेयर में आप उसको ऐड करवा सकते हैं। ये बेसिकली कुछ हाईलाइट्स हैं इसके अंदर आपके जो AI के फीचर्स हैं और AI के आपके जो आइटम्स हैं या जो AI के थ्रू आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। जिस तरह मैंने आपको एप्लीकेशंस बताई थी कि एप्लीकेशन रेलवे स्टेशन हो सकते हैं, बस स्टेशन हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, या कोई एक्सप्रेस स्टेशन हैं वहाँ पर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये वाली जो प्रोडक्ट है एक्सरे बैगेज स्कैनर, ये आपकी प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज होती है, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं या फिर कोई होटल्स की जो हॉस्पिटैलिटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, और ये बताने का मकसद है कि अभी सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको सिंगल विंडो के अंदर दावा के प्लेटफॉर्म से अवेलेबल होंगी। ये कुछ हमारी प्रोडक्ट फैमिली है जिसमें 5030 है, 6040 है, 6550A है, जिसमें बिल्ट इन कैमराज हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, रिकॉर्डिंग्स हैं, जैसे मैंने आपको गाइड किया था, तो आप सारी चीज़ें इसके अंदर देख सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट हैं 6550D, और अभी जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा 6550A और 5030A, ये दो मॉडल्स हैं जो भी रिसेंट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हुआ जो सब वो अभी फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ कतर के अंदर, वहाँ पे हमारा जो है ऑलमोस्ट 100 मशीन्स जो हैं वो दावा ने एक्सरे बैगेज स्कैनर अपनी डिप्लॉय की हैं। ऑलमोस्ट 300 वॉक थ्रू गेट्स जो हैं वो दावा ने अपने वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं। तो एक दावा के लिए और ये प्रोडक्ट के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मेजर इतना पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड वाइड इवेंट हुआ है जिसको सिक्योरिटी वो दावा ने प्रोवाइड की है। एक्सरे बैगेज स्कैनर्स और वॉक थ्रू गेट्स एंड एन मेटल डिटेक्टर्स, ये आपके फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में हो रहा है वहाँ पे ये दावा ने अपने प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड किए हैं, उनके थ्रू हमारी जो है स्क्रीनिंग हो रही है। ये कुछ प्रोडक्ट के फीचर्स हैं जो बेसिकली मोस्टली मैं आपको बता चुका हूँ, और ये वो सब फीचर्स हैं जो कि अदर ब्रांड्स के अंदर जो पैरामीटर्स हैं कि बाकी ब्रांड्स को आप कंपीट करना चाहें आप कंपीट कर सकते हैं इसके अंदर। और बस ड्यूअल एनर्जी भी अवेलेबल है, सिंगल एनर्जी भी है, अगर आपकी किसी किस्म की कोई भी रिक्वायरमेंट आती है प्रोजेक्ट्स के अंदर तो आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे इस प्रोडक्ट लाइन के हवाले से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, नाउ दिस इज उबैद, और किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
हैंड रेस किया है जी फहद उमर ने, तो मैं जी आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप आके सवाल पूछ सकते हैं उमर भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम उमर भाई, इसमें देखें आप माशाल्लाह प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी क्रिएट हो गई है कि दावा के पास इतनी रेंज आ गई है। कम टू द क्वेश्चन के ये टेक्निकल इसकी डिप्लॉयमेंट के लिए भी कोई ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट करें साथ, क्योंकि अभी जब प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है साथ, तो इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक रखें ताकि हमें आइडिया हो कि ये वॉक थ्रू गेट्स कैसे डिप्लॉय करने हैं, उसको कनेक्ट कैसे करना है, उसको मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये जैसे बैगेज स्कैनर्स हैं इनको मैक्सिमम कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल फहद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें सर ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लीनिंग स्टेज के अंदर हैं, वो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे रिसीव होंगी प्रोडक्ट्स, ये वाली ऑलमोस्ट रिसीव होने वाली हैं इंशाल्लाह, इस साल हो जाती हैं एंड पे, जैसे ही रिसीव होंगी हम लोग एक कम्प्लीट ट्रेनिंग सेशन, जैसे आज ट्रेनिंग सेशन अरेंज किया है, हम इसकी एक लाइव डेमोस्ट्रेशन करेंगे। और हमारे कोई भी हम एक अपना सेंटर होगा, कोई भी एक हमारा ट्रेनिंग हम लोग कोई लोकेशन सजेस्ट करेंगे, वहाँ पे हम आपको कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन देंगे, वॉक थ्रू गेट कैसे इंस्टॉल होता है, एक्सरे बैगेज स्कैनर जो है वो किस तरह ऑपरेट होता है या किस तरह चलता है, तो कंप्लीट एक ट्रेनिंग सेशन उसके ऊपर भी होगा। बिल्कुल, ऐसे इंस्टॉलर्स हमारे उनको ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है कैमरास के लिहाज से भी, इस लिहाज से भी तो ये जरूरी है बहुत, क्योंकि उसके बगैर वो फिर। जी बिल्कुल ठीक है, मैं इसके अलावा थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उबैद भाई, जिसके ऊपर अभी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, आप इसके ऊपर जाके हमारे जो टेस्टिंग वीडियोस हैं डिप्लॉयमेंट की, हम लोग वो भी अभी अपलोड करेंगे। आप लोग जो हमारी यहाँ पे वॉक थ्रू गेट की टेस्टिंग थी वो हम लोग उसके ऊपर अपलोड करेंगे, आप वो भी देख सकते हैं। फर्दर ये जैसे इक्विपमेंट हमारे पास रिसीव होगा, हम आपको इसकी फिजिकल ट्रेनिंग देंगे, लाइव ट्रेनिंग सेशन भी होगा, जिसमें आपको प्रॉपरली वन बाय वन गाइड करेंगे कि इसका इसको यूज किस तरह करना है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ का है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और इसके अंदर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। बिल्कुल ठीक है, ये जरूरी है बहुत, इसको लाजमी करवाइएगा, क्योंकि इंस्टॉलर्स की ट्रेनिंग नहीं होगी तो जारी बात है फिर बेचना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल ठीक है जी। अब्दुल बासित साहब है, इनका एक क्वेश्चन है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा क्वेश्चन दो है। हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान से क्वेटा से है और हम काफ़ी सालों से दावा से दावा का काम कर रहे हैं। मेरा मसला हमारे साथ ये आता है कि आज तक ना हमारे हमें इतना बलूचिस्तान को और ख़ासतौर पर क्वेटा को निगलेक्ट किया जाता है दावा की तरफ से, ना कि वहाँ पर ना ही कोई रोड शो, ना ही कोई इस टाइप की कॉन्फ्रेंस की जाती है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास कई स्कॉलर्स काम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इशू होते हैं कि क्या है। फिर उबैद साहब का जो यूट्यूब चैनल है उनसे उनको बताते रहते हैं कि आप ये वीडियो देखें, उनको लिंक भेज देते हैं, तो हम मिल रही होती है दावा के हवाले से, तो एक बलूचिस्तान के अंदर क्वेटा शहर में जो है आप लोग एक छोटी सी ट्रेनिंग टाइप या रोड शो टाइप करें ताकि लोग जो है इस तरफ अट्रैक्ट हो और जो है हम स्मूथ दावा में काम कर सकें। थैंक यू अब्दुल बासित साहब, सबसे पहले तो मैं सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि आप क्वेटा से हमें जो है वो आपने ज्वाइन किया है और क्वेटा आपने टाइम निकाल के और आप इतना इंटरेस्ट लेके दावा ब्रांड के अंदर जो है वो आप काम कर रहे हैं, सो मच, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर का प्लान है, अभी दिसंबर ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट ईयर के अंदर इंशाल्लाह हमारे जो है क्वार्टरली वाइज या फिर ईयरली हाफ ईयरली वाइज हमारे पास हमने रोड शोज भी अपने अरेंज करने हैं और ट्रेनिंग सेशंस भी अरेंज करने हैं स्पेसिफिकली पर्सनली इंशाल्लाह, मैं वहाँ पे अपनी टीम के साथ खुद भी हमारा प्लान है विजिट करेंगे, विजिट करके आपके जितने भी इंस्टॉलर्स हैं, एसआई पार्टनर्स हैं, डीलर्स हैं, उनको जो हमारी नई प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग एजुकेट करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का हमारा जो है वो कम्प्लीट प्लान है कि हम लोगों ने जो आप बलोचिस्तान है स्पेसिफिकली क्वेटा हमने विजिट करना है और जितने भी हमारे डीलर्स हैं, पार्टनर्स हैं, इंस्टॉलर्स हैं, उनको वहाँ जाके हमने एजुकेट करना है, ट्रेनिंग सेशन भी होंगे और इंशाल्लाह रोड शोज भी होंगे यहाँ पे।
हेलो ओके, इधर जो है थोड़ी सी ब्रेक हम लेंगे। आपको मैं जो है थोड़ा सा बता देता हूँ, जो अटेंडेंस है उसके बारे में, थोड़ा सा आज के सेशन के अटेंडेंस के बारे में थोड़ा सा गाइड करने लगा हूँ आपको। तो उमर थोड़ी देर के लिए आपको स्क्रीन स्टॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे स्क्रीन शेयरिंग करके लोगों को तरीका बताना पड़ेगा कि आज की अटेंडेंस कैसे लगेगी। तो गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप तक, सब तक? अगर आ रही है तो प्लीज वन प्रेस कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम जो है ओके, थैंक यू सो मच। कुछ सजेशन आई है क्वेटा में रोड शो के लिए, एक सजेशन कसूर में रोड शो के लिए आई है, और एक बन्नू में ट्रेनिंग सेशन अरेंज करने की रिक्वेस्ट आई है। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा जो है ट्रेनिंग के की अटेंडेंस का बता देता हूँ कि कैसे होगी अटेंडेंस। हमारे जो इंस्टॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं और जो हमारे पार्टनर्स हमारे साथ आज के सेशन में है, मैं उनको अटेंडेंस का तरीका बता देता हूँ। उसके लिए मुझे स्क्रीन शेयरिंग आप थोड़ी सा ओके। सो मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से आपने आज की अटेंडेंस लगानी है। उससे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि धावा पार्टनर ऐप के अंदर एक नया फंक्शन है, वीआईपी मेंबरशिप। आप सारे जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? ये जो है इस तरह से आपका डिस्प्ले आएगा, ठीक है? इसमें लेवल्स आ रहे हैं, आपने एनर्जी पॉइंट्स डेली एक्टिविटीज में ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, धावा की डेली चेक इन करेंगे उसके पॉइंट्स मिलेंगे आपको। आपने पॉइंट्स बना के 2000 पॉइंट्स करने हैं, तो 2000 पॉइंट्स के बाद ये लेवल 2 अनलॉक हो जाएगा। उसके ऊपर क्या होगा, आपको बेनिफिट 5% एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे हर रिडीम के ऊपर आपको। मतलब कि एक कार्ड जो आपको 1000 का, जब आप जैस कैश का रिडीम करते हैं, वो आपको 5% एक्स्ट्रा में आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी आपको 1000 वाला कार्ड 950 का मिलेगा, ठीक है? तो 50 पॉइंट्स जो है आपके सेव हो जाएंगे। उसके बाद जो है जब आप लेवल 3 के ऊपर आएंगे, तो आपको 15,000 एनर्जी पॉइंट्स क्रिएट करेंगे, और उसके बाद जो है आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा कार्ड रिडीम करने पे। और जब L4 L5 पे आएंगे, तो आपको 20% तक जो है मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा कार्ड के ऊपर। और ऑफलाइन एक्टिविटीज, इसका हम इंशाल्लाह आपको जनवरी में बताएंगे कि क्या है, लेकिन एक आइडिया दे देता हूँ कि एक्टिविटीज होंगी क्या। जैसे हम कोई क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कर लेंगे DPPs का, इंस्टॉलर्स का, बॉलिंग के लिए कोई हम कर लेंगे, या आउटिंग कहीं पे, ट्रिप, बिजनेस ट्रिप नहीं होगा, वो एक इनफॉर्मल जो है हम उसको एक्टिविटी करेंगे, जैसे मरी चले गए, नाराज नाराज चले गए, इस तरह से हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं इसके ऊपर एक्टिविटीज का। तो ये एनर्जी पॉइंट्स जो है आप ऐप के अंदर रैंकिंग वाइज जो है बनती जाएगी। और कैसे करनी है, डेली चेक इन, डेली क्विज है, ये अटेंड करें, फिर आप कोई न्यूज एंड अपडेट पढ़ते हैं उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो उसके पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है? ये एनर्जी पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो ये आपने करना है। और जब भी कोई ट्रेनिंग आएगी, तो आपने उसकी रिजर्वेशन करनी है, तो उसके भी 20 एनर्जी पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ से रिजर्व करके, ठीक है? आज की ट्रेनिंग का क्यूआर कोड मैं शेयर करने लगा हूँ, और तरीका ये है कि जो आप मेन पे आएंगे और ये क्यूआर कोड के स्कैन के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपने एक्टिव कर लेना है, कीजिएगा। और मैं जो है आपसे शेयर करने लगा हूँ क्यूआर कोड और आज की अटेंडेंस। आप सारे, चाहे आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं, पार्टनर ऐप यूज कर रहे हैं, या आप जूम पे हैं, अब जो है मैं आपसे क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूँ, आप जो है स्क्रीन पे अब देख सकते हैं। क्यूआर कोड आप स्कैन कर लें, इसके आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। धावा पार्टनर ऐप में आपने जब क्लिक किया इसके ऊपर, तो चेक इन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको जो है इसके पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है? ये तरीका था जी अटेंडेंस का। आप काइंडली जो है इसको जल्दी से कर लें, 1 मिनट हम मजीद वेट करेंगे। जल्दी जल्दी अपनी पार्टनर ऐप की से जो है अटेंडेंस मार्क करते जाए।
और इस ट्रेनिंग के आपको जो है 100 पॉइंट्स आपको आपके उस पर मिल जाएंगे, ठीक है। क्या क्यूआर कोड स्कैन नहीं होगा? ओके, अब एक दफा दोबारा कीजिएगा अपनी पार्टनर ऐप को रिफ्रेश करके। मैंने क्योंकि स्कैन खुद की है तो इस वजह से हो रहा है और पॉइंट्स भी मिल गए हैं। और जो है 50 एनर्जी पॉइंट्स आपको वीआईपी मेंबरशिप आपकी अगर एक्टिव है, फर्स्ट टाइम आपको एक्टिव करने के लिए सिर्फ एक्सेप्ट करना होगा बटन, ठीक है, उसके बाद आपका वीआईपी मेंबरशिप एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो है जैसे जैसे लेवल्स में जाते जाएंगे आपको उस तरह से, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर इसको बढ़ाएंगे मजीद इसमें बेनिफिट्स को, ठीक है जी। जी 1 मिनट मैं अभी वेट कर रहा हूँ। जिनका नहीं हो रहा आप एक दफा स्नैपशॉट लेके रख लीजिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद भी मैं जो है इसको 10-15 मिनट रखूंगा और आप कर सकोगे, ठीक है, आप स्नैपशॉट लेके रख लीजिए जी। ओके, सो मैं उमर भाई से दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है अपनी स्क्रीन वापस लेंगे। अटेंडेंस जिन्होंने नहीं की तो कोई मसला नहीं है, इन द एंड ऑफ द ट्रेनिंग भी मैं एक दफा दोबारा से शो कर दूंगा क्यूआर को, ठीक है। मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आप सर अपने माइक को। और लास्ट टॉपिक है जी इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स सर्वेलेंस, मतलब कि जो आप रिटेल इंडस्ट्री में जो टैग्स यूज करते हो, और रिटेल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये भी पाकिस्तान में, और हॉट टॉपिक रहेगा 2023 में इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं उमर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी की ट्रेनिंग की तरफ दोबारा से हमें लेके चलिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच उबैर भाई, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। तो अपनी लास्ट प्रोडक्ट लाइन जो है हमारी EAS प्रोडक्ट लाइन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस बोलते हैं, या आसान लफ्ज़ों में एंटी शॉप लिफ्टिंग हम लोग बोलते हैं। बेसिकली ये प्रोडक्ट लाइन है जो कि आपने नॉर्मली देखी होगी कि जितने भी हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं, कोई भी ब्रांड्स हैं, वहाँ पर हमारी ये प्रोडक्ट लाइन जो है वो ये यूटिलाइज होती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी ब्रांड के अंदर ब्रांड में शॉपिंग करते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो उसका जो एग्जिट गेट होता है, एग्जिट गेट के ऊपर आपको लेफ्ट और राइट साइड पे दो एंटीनाज नज़र आ रहे होते हैं। वो क्रिस्टल फॉर्म में भी होते हैं, वो मेटालिक फॉर्म में भी होते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। एक्चुअली में वो EAS एंटीना होता है, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस। EAS बेसिकली क्या चीज़ होती है कि अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप किसी भी जगह पे लाइक सुपरमार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में, शॉपिंग स्टोर में, ठीक है, बुटीक में, शूज़ के अंदर, उसके डिफरेंट टैग्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हार्ड टैग्स हैं, सॉफ्ट टैग्स हैं, मेटेलिक टैग्स हैं, ये सब के सब टैग्स जो हैं ये आपकी उस प्रोडक्ट के ऊपर, सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर आपके वो पेस्ट हुए होते हैं। अगर कोई शख्स उसका बिल पे नहीं करता तो वो जब वहाँ से पास हो रहा होता है तो उसके ऊपर अलार्म हो जाता है। अलार्म जनरेट होने का मकसद ये है जी कि इसके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि यहाँ से डीएक्टिव नहीं हुई, जो यहाँ से बिल पे नहीं हुआ, या किसी को इस प्रोडक्ट को जो है इन्होंने यहाँ पे पैसे नहीं दिए और ये प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है दावा के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो रही है और मार्केट के अंदर जो है वो अवेलेबल होगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स का मैंने आज जिक्र किया है, EAS का जिक्र हो, वॉक थ्रू गेट्स का हो, एक्सरे बैगेज स्कैनर्स का जिक्र हो, या फिर हमारे ये जो हैंडल मेटल डिटेक्टर्स हैं, ये सब के सब वो प्रोडक्ट्स हैं जो दावा की अपनी प्रोडक्शन है, अपनी प्रोडक्ट लाइन है। हम लोग किसी किस्म का ये OEM नहीं करवा रहे। बाकी मार्केट के अंदर बहुत फेमस ब्रांड्स हैं जो कि दूसरे ब्रांड्स हैं जो कि OEM करवा रहे हैं, लेकिन हम लोग बाकियों की नस्बत डिफरेंट यहाँ पे भी हैं कि हम लोग OEM नहीं करवा रहे, इसीलिए हम आपको अच्छी सर्विस और अपनी मर्जी से हम जितने फीचर्स ऐड करना चाहें हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्ट लाइन कंप्लीट ही है, अपनी प्रोडक्शन लाइन सेपरेट है। और ये जैसे मैंने अर्ज किया था शुरू में, वेद कैन के नाम से
हम लोगों ने स्टार्ट किया दावा वेद कैन, तो वेद वेद कैन के पोर्टफोलियो से ये सारी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगी और हमारी अपनी प्रोडक्शन लाइन है। आपको इस प्रोडक्ट का यूज मैंने बता दिया, कहाँ कहाँ पे यूज होती है, क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन होती है। ये बेसिकली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इसमें हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक एएम सिस्टम होता है और एक आरएफ सिस्टम होता है। एएम सिस्टम हमारा जो है ना, जो 6 सीरीज के अंदर है हमारे पास मोस्टली, वो हम एएम सिस्टम में क्या होता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका मैं आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बता दूं कि 2.5 मीटर के अंदर अंदर एक एंटीने से दूसरे एंटीने के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर का होना होता है मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि कवर करता है। हमारे पास ये लेबल्स होंगे, हमारे पास डिफरेंट टैग्स होंगे, डीएक्टिवेटर्स होंगे, डिटैचर्स होंगे, या आपने शूज़ के भी टैग्स देखे हैं, वाइट कलर में शूज के टैग्स अक्सर लगे होते हैं, कपड़ों में लगे हुए होते हैं। या आपने जैसे ही परचेज करता है वो आपने देखा होगा कि वो जो भी आपका ऑपरेटर है वो आपको इसको डीएक्टिव करता है या इसको डिसमेंटल करता है, इस टैग को डीटैच करके अपने पास रखता है और आपको बिल पे करने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको हैंड ओवर कर देता है। तो ये सब प्रोडक्ट्स, ये सब टैग्स, ये हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं और ये मार्केट के अंदर आप इसको ले सकते हैं। 8 सीरीज, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, आरएफ और एएम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आरएफ जो है बेसिकली नॉर्मली जहाँ पे बड़ी आपका एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया होता है वहाँ पे यूटिलाइज होती है, लेकिन 98% आपकी जो है वो आपकी एएम फ्रीक्वेंसी यूज होती है। एएम फ्रीक्वेंसी यूज होने का मकसद क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम सी होती है, मतलब उसकी जो रेंज है वो लिमिटेड सी होती है कि आपका जो स्टोर है सिर्फ उसके अंदर है, ताकि कोई भी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसीज उसके साथ इंटरेक्ट ना करें और आपके जो है फॉल्स अलार्मिंग ना उसके अंदर दे। जबकि आरएफ जो है उसके अंदर ये फॉल्स अलार्मिंग का जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं नॉर्मली। इस वजह से जो मैक्सिमम यूज़, जो मैंने जैसे 98% का वर्ड यूज़ किया है, ये परसेंटेज यूज़ किया है, वो हमारी एएम फ्रीक्वेंसी वो यूटिलाइज होती है। एएम के अंदर और आरएफ के अंदर हमारे पास सब प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिटैचर्स भी होंगे, डीएक्टिवेटर्स भी होंगे, सॉफ्ट टैग्स होंगे, हार्ड टैग्स होंगे, मेटल टैग्स होंगे, क्लोथ्स टैग्स होंगे और उसके बाद शूज के टैग्स होंगे। तो ये सब प्रोडक्ट जो हैं ये अवेलेबल हैं। ये चैनल मार्केट की बेसिकली प्रोडक्ट है। प्रोजेक्ट्स अगर आपका कोई बड़ा किसी बड़े ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप भी उनको पिच कर सकते हैं ये प्रोडक्ट। ये बेसिकली उसका व्यू है एंटीनास का, और ये डिफरेंट टैग्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास पेंसिल टैग्स हैं, पेन के टैग्स हैं, फिर उसके बाद लेबल्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके पास दावा के पास ये अवेलेबल हैं और आप उनको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर आप उनको पोर्ट कर सकते हैं। ये डीएक्टिवेटर है बेसिकली, और ये डिटैचर है आपके लेफ्ट साइड पे। ये डिटैचर क्या होता है कि कोई भी आप जब शूज़ परचेज कर रहे हैं, शूज़ परचेज करने के बाद जो लेफ्ट साइड पे टैग आपको नज़र आ रहा है उसको डीटैच कर देते हैं। डीएक्टिवेटर जितने भी आपके सॉफ्ट टैग्स होते हैं, जो क्लोथ्स पे, कपड़ों पे, या आपके जो कॉस्मेटिक्स हैं, या जो आपके हाउस होल्ड आइटम्स हैं डेली बेसिस के, उनके ऊपर होते हैं, उनको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। एक सबसे मज़ेदार और सबसे अच्छी चीज़ वो आपके लिए वो ये कि सीसीटीवी के साथ इसकी लिंकेज हो जाती है। सीसीटीवी के साथ लिंकेज कैसे होती है, कंट्रोलर हमारा एक होता है, उस कंट्रोलर के साथ हम अपने जो ए हमारा जो ईए सिस्टम है और हमारा जो सीसीटीवी सिस्टम है हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। और क्या होता है, जो आपका ऑपरेटर जो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ है, किसी भी ईएस के ऊपर आपके अलार्म जनरेट हुआ है वो ऑटोमेटिकली उसी की वीडियो आपकी स्टार्ट कर देगा जिसमें अलार्म होगा, उसी कैमरे को पॉपअप करके आपके पास वीडियो जो है आपके पास शो करवाएगा जिसके अंदर आप जिसके पास आपका अलार्म हुआ होगा। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है, एक ये लिंकेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और जो आपको दावा नहीं, ये सब जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, ये प्रोडक्ट लाइन सारी लॉन्च करने का मकसद ये था, एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर, सिंगल अम्ब्रेला के अंदर, वन स्टॉप शॉप के ऊपर आपको ये सब की सब प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ये डिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया 2.8 मीटर, 1.4 मीटर और 2.5 मीटर, ये 2.8 मीटर है एक्चुअली, लेकिन 2.45 मीटर तक आपकी एक्यूरेसी होती है, वहाँ तक आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं, वहाँ तक आप इसकी डिटेक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक हमारा जो था ना प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन था, ईएएस प्रोडक्ट लाइन जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। जब भी आप किसी ब्रांड के पास जाते हैं या किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, अगर आपने बाहर से कोई चीज़ परचेज की होती है तो वो ऑलरेडी आपसे लेके पहले वो साइड पे रख देते हैं। साइड पे रखने का मकसद ये होता है कि उनके ऊपर जो टैग्स हैं वो मिसमैच ना हो और आपका जो है फॉल्स अलार्मिंग ना दे। तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है,
अगर सॉफ्टवेयर यूज करना चाहें POS के साथ तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं POS पूरे सिस्टम के साथ, अदरवाइज आपको POS की यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस थे। एक छोटी सी प्रोडक्ट है जिसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि हमारे पास सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के सर्वर्स हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, कोई भी आपका कस्टमर है, कोई भी आपका एंड यूजर है, कोई भी आपका जो कोई भी प्रोजेक्ट साइट है जहाँ पे ऑलरेडी एक्सरे बैगेज स्कैनर्स जो हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं किसी भी ब्रांड के, एक्स वाई जी थर्ड पार्टी कोई भी ब्रांड है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था AI फीचर्स, आप AI फीचर्स वाला ये जो हमारा सर्वर है ये आप उसको सेल कर सकते हैं या आप उसको पिच कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सारे वही एल्गोरिदम्स जो दावा आपको दे रहा है वो सब के सब एल्गोरिदम्स आपको थर्ड पार्टी मशीन के अंदर भी वो आपको मिल जाएंगे, ये हमारा जो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग का सर्वर है इसके थ्रू। तो ये बेसिक इसकी स्पेसिफिकेशन है और ये दो इसके मॉडल हैं। ये पूरा जो है हमारा कुछ केसेस हैं जो कि हम लोगों ने किए हुए हैं, जो हमारे आप कह सकते हैं कि केस स्टडीज हैं, जैसे चाइना के अंदर हमारा काफ़ी है बीजिंग में, फिर उसके बाद हमारे कुछ रेलवे स्टेशन हैं और कुछ हमारे कॉन्सर्ट्स हैं। तो ये सारे जो हैं ये हमारे कुछ केस स्टडीज हैं इन एक्सरे बैगेज स्कैनर वॉक थ्रू गेट से रिलेटेड। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। किसी भी भाई का कोई भी सवाल है तो प्लीज आप हैंड रेज करें और क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने अभी अटेंडेंस अपनी नहीं मार्क की है QR कोड दोबारा आपको शो करवा रहे हैं, QR कोड से आप स्कैन करके अपनी अटेंडेंस में मार्क कर सकते हैं। जिन भाइयों ने अटेंडेंस नहीं लगाई आप कर सकते हैं अटेंडेंस। थैंक यू सो मच उमर आपके टाइम का। अगर किसी भाई का कोई भी सवाल हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। उमर रियाज जो है एक्सपर्ट है इस प्रोडक्ट में और पाकिस्तान में 5 साल इन्होंने ZK टीम में इसी प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है और मार्केट को डेवलप किया, तो इनके पास एक्सपीरियंस भी है और इनके पास कंपटीशन का जो मतलब कि जहां जहां आपको कंपटीशन आएगा उस पॉइंट्स का भी उनको पता है ऑलरेडी कि क्या क्या चैलेंजेस है पाकिस्तान में मार्केट की, क्या क्या हालात मतलब कि इस मार्केट में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है और कैसे हमने पैसे बनाने हैं, ये भी ये बताएंगे इंशाल्लाह। एक दो प्रोडक्ट आ जाए हमारी, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है इम्पोर्ट चैलेंजेस हमारे लिए इस साल बहुत ज्यादा थे, मुश्किल हालात रहे, लेकिन आप लोगों के साथ का बहुत शुक्रिया, आपकी ज्वाइनिंग का बहुत शुक्रिया, टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि यूट्यूब पे इस सारे सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। मैं लिंक जो है एक दफा दोबारा से जूम पर भी ड्रॉप कर देता हूँ। अगर किसी का कोई भी भाई का सवाल हो तो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में भी आप जाके पूछ सकते हो, तो बाद में हम जो है उमर भाई से जो है उसका जवाब लेके, अगर मैं नहीं कर सकूंगा तो उमर भाई से रिक्वेस्ट करके मैं उसका जवाब पोस्ट करवा दूंगा आपको, ठीक है। और यूट्यूब के जो भाई है हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी बहुत शुक्रिया कि यार आप लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी वीडियो जो है फेसबुक पे भी लगा देंगे हम, हाँ यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ना हम जो है इंशाल्लाह इसकी जो है ना इस हफ्ते में ही 2-3 वीडियोस तो है मेरे ख्याल में, 2-3 वीडियोस जो इंट्रोडक्टरी है जिससे आपको प्रोडक्ट का आइडिया हो जाएगा। अभी जूम पे इस वजह से मैंने इनको रोका था, इनकी वैसे वीडियो था प्लान में आज के सेशन में कि प्ले करें, लेकिन जूम पे बहुत स्लो हो जाती है, तो इस वजह से मैंने इनको कहा कि वो वीडियोस जो है वो मैं अपने पेज पे जो है अपलोड कर दूंगा तो वहां से लोग देख सकेंगे, ठीक है। तो अटेंडेंस भी लग गई है आप सबकी। अच्छा, उसके अलावा जो है हम CCTV की जिस तरह से शॉर्ट वीडियोज अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी, तो इसकी भी हम जो है टर्मिनोलॉजीज की जो है ना जब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी तो एक 60 सेकंड्स वाली एक सीरीज इसकी भी हम करेंगे जिसमें हम आपको 60 सेकंड में अगर जो टर्मिनोलॉजी है वॉक थ्रू गेट से बैगेज स्कैनर से रिलेटेड होगी वो 60 सेकंड में आपको जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे और उस वीडियो सीरीज को हम चलाएंगे आगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर आप यूट्यूब चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड नाइट और अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।